नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका learnready.com के 3ds Max ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम ग्रिड सेटिंग्स का यूज़ कैसे करते हैं 3ds Max के अंदर। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हाउ टू यूज़ ग्रिड सेटिंग्स इन 3ds Max। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे यहाँ पे ग्रिड्स दिए हुए हैं। तो हम इन ग्रिड्स का यूज़ कैसे करेंगे उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाता हूँ कि आपको थोड़ा ईजिली हो जाए कि कैसे हमने सेटिंग्स करनी है। आप सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको ग्रिड की सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पे स्नैप की सेटिंग्स हैं कि आप कौन कौन से एंगल से यहाँ पे आप देखना चाहते हो, वो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको ग्रिड स्नैपिंग की ऑप्शन दी गई है। तो ग्रिड स्नैपिंग क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ग्रिड स्नैपिंग जो हमारा यहाँ पे ग्रिड है, वो आपका साइज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हो साइजेस को। यहाँ पे लिखा रहा है मेजर लाइंस एवरी nth ग्रिड टर्म 10। तो मैं अगर इसको बढ़ाता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि इस वैल्यूज में यहाँ पे इंक्रीजन हो रही है। तो ये क्या चीज़ है कि जैसे कि एन टर्म जो हमारी होती है कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू में आपके 7 ग्रिड दिए हुए हैं, तो इसमें ये वैल्यू आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ तो आपकी जो ये वैल्यूज़ है वो यहाँ पे आपको शो होंगी। जैसे कि ये बीच में आपके ग्रिड के थोड़ा सा गैप है, इसके बीच में जो वैल्यूज़ होंगी 1, 2, 3, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो कम होती जाएंगी। जैसे मैं अगर थोड़ा सा और कम करता हूँ यहाँ पे या बढ़ाता हूँ, तो आपकी ग्रिड्स यहाँ पे 1 by 1 कम होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 ग्रिड्स आपके आगे पर्सपेक्टिव व्यू ग्रिड एक्सटेंड। तो ये मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपकी ग्रिड्स एक्सटेंड होते जा रहे हैं। तो इनको भी आप यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हो। देन यहाँ पे आ रहा है इनहिबिट ग्रिड सब डिवीजन बिलो ग्रिड स्नैपिंग। तो अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, तो अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू को बढ़ाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारी लाइन थी, यहाँ से मैं फिर से इसको वापस लाता हूँ और इसको चेक कर देता हूँ। तो चेक करने के बाद यहाँ से भी आपकी इनहिबिट ग्रिड सब डिवीजन जो होती है बिलो ग्रिड स्पेसिंग, तो ग्रिड स्पेसिंग के बिलो जो भी आपकी स्पेसिंग होगी उसके जो साइजेस हैं वो यहाँ से कम ज़्यादा आप करना चाहते हो, तो वो स्पेसिंग आपकी कम ज़्यादा हो सकती है। तो जैसे मैं यहाँ से फिर से इसको बढ़ाता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी जो ग्रिड्स हैं वो कम ज़्यादा होने शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हो। और इन हैबिट ग्रिड सब डिवीज़न को अगर मैं इनेज कर देता हूँ, तो आपकी ग्रिड्स देखिए कुछ और तरीके के साथ यहाँ पे चेंज होना शुरू हो गए हैं। वहाँ पे आगे नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि जैसे कि इनहिबिट पर्सपेक्टिव व्यू ग्रिड रीसाइज। तो क्या अगर आप रीसाइज करना चाहते हो उसको, तो आप रीसाइज करना चाहते हो तो उसको रीसाइज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए आपका जो ग्रिड है वो यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर रीसाइज करना चाहते हैं रीसाइज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका ग्रिड जो है वो इस साइज से आपका शो होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इनहिबिट ग्रिड सब डिवीजन बिलो ग्रिड कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे कि यहाँ पे मैं ग्रिड कर रहा हूँ, तो ये यहाँ जो ग्रिड्स हैं वो कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, तो ये ग्रिड्स देखिए आप बढ़ते चले जा रहे हैं। जितना भी आप बढ़ाओगे उतने ही ज़्यादा ये ग्रिड्स आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो उस तरह से आप एक्टिव व्यूपोर्ट में अगर ये चीज़ चेंजेस लाना चाहते हो तो एक्टिव में ला सकते हो, नहीं तो ऑल व्यूपोर्ट्स में करते हो तो ऑल व्यूपोर्ट्स में आपके ये चेंजेस आ जाएंगे। तो इस तरह से आप स्नैप्स को भी दे सकते हो। जैसे ग्रिड पॉइंट्स लेना चाहते हो ग्रिड पॉइंट दे सकते हो, पाइवट लेना है परपेंडिकुलर, हर एक पॉइंट आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी को सिलेक्ट कर लोगे तो सभी सिलेक्ट आपको पॉइंट्स यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हम आपकी ग्रिड की अपनी सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं यहाँ।